आप देख रहे हैं ई स्पेशल। सलमान और कैटरीना ने बिना कहा कि बेटी की शादी को हाई प्रोफाइल तो बना दिया, लेकिन ये पहली ऐसी शादी थी जिसमें दूल्हा और दुल्हन से ज्यादा इन दोनों मेहमानों को लेकर क्रेज था। क्या बिना करवा सकती है कैट और सल्लू की शादी भी? शादी थी बीना काक की बेटी अमिता काक की, लेकिन सबकी नजरें दुल्हन से ज्यादा कैट पर लगी थी। और ये पहली बारात थी जिसमें दूल्हे का सारा अट्रैक्शन सलमान ने चुरा लिया। सलमान और कैट दोनों ही शादी के लिए मौजूद थे, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो सकी। जी हाँ, सलमान और कैट ने बीना काक की बेटी की शादी तो करवा दी, लेकिन अपनी शादी को लेकर ना तो कुछ कह सके और ना ही शादी की बात को आगे बढ़ा सके। तूने जो ना कहा, मैं वो सुनता रहा। दोनों शादी में मौजूद रहे, लेकिन उनके बीच बातचीत का सिलसिला नहीं चल सका। जिस तरह सलमान और कैट दोनों बीना काक की बेटी की शादी में शामिल हुए और बीना ने गले से लगाकर उनका वेलकम किया, उसे देखकर यही लगता है कि उनका इस घर में आना जरूर कोई रंग लाएगा। वैसे अगर रियल लाइफ की बात करें तो बीना काक तो बहुत पहले ही फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में कैट को सलमान के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस मान चुकी है। बीना के घर पर सलमान और कैट की मौजूदगी और शादी में दोनों का फैमिली मेंबर की तरह शामिल होना इस बात का इशारा करता है कि बीना काक दोनों की शादी करवाने में रियल लाइफ का सबसे खास रोल अदा कर सकती है। यूं तो रियल लाइफ में कैट को अपनी बहू बनाने की बीना की तमन्ना पूरी नहीं हो सकी, लेकिन लगता है पिक्चर अभी बाकी है। इस बार अपनी बेटी की शादी में तो बीना को सलमान और कैट के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन एक बात तो तय है कि वो अब सलमान और कैट की रियल शादी के लिए कोशिशें जरूर करेंगी। वैसे भी बीना काक की इमेज काफी सख्त है और उन्हें इंकार करने की हिम्मत किसी में नजर नहीं आती। कैटरीना भी बीना को बहुत पसंद करती हैं और बीना तो उन्हें हमेशा गले लगा कर रखती हैं। पहले सलमान के परिवार वालों के दिल में कैट ने जगह बनाई और अब सलमान के बहुत करीबी लोगों में शुमार बीना काक के दिल में भी उतर गई है कैट। यानी किसी दिन ऐसे ही बज सकती है सलमान और कैट की शादी की शहनाई। ब्यूरो रिपोर्ट E24। और इस स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।